अभी ये 2-3 महीना शायद 5 महीना हुआ है ये डिस्कवर हुआ है। इसी रास्ते से आप नीचे उतरेंगे हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 17 जुलाई है तो मैं आज एक नया डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ जो मेरा घर से करीबन 35-40 किलोमीटर्स होगा। उतना कोई ख़ास टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। अभी थोड़ा दिन हुआ कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू दैट प्लेस और आज मैं मेरा बाइक लेके जा रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम क्योंकि लॉकडाउन में मैं बाइक यूज़ नहीं किया था। अभी तो ऐसा भी आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कल से 15 दिन के लिए अप टू 31 जुलाई तक 13-14 दिन के लिए लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट लॉकडाउन। तो इसलिए मैं सोचा कि आज वहीं पर मैं जाता हूँ तो देख के आता हूँ एक्चुअली क्या है। जैसे मैं रास्ते में जाऊँगा तो आपको बताऊँगा का नाम क्या है और कौन सा रूट मैं ले रहा हूँ। मेरे को एब्सोल्युटली कुछ मालूम नहीं है लेकिन एक चीज़ है NH-16 होके मैं जाऊँगा। तो चलिए चालू करते हैं जर्नी। चलिए अभी मैं निकल रहा हूँ। दिस इज माय कैमरा ये मेरा बाइक है। हम अभी स्पॉट में पहुंच गए। ये जगह का नाम है निजीगढ़ तापंग। ये आप पहाड़ी देख सकते हैं, ये पहाड़ी है और ये पानी है। थोड़ा आगे आपको दिखाता हूँ, ये पानी है। एक्चुअली क्या है यहाँ पहले ये छोटा सा हिल था। ये पूरा पत्थर का पहाड़ है। पत्थर काट काट के इन लोगों ने इतना काट दिया फिर नीचे गया। नीचे जाने का बाद एक स्टेज में वहाँ से पानी निकला तो ये लोग छोड़ गया। तो उसके लिए इसका डेप्थ मेरे को मालूम नहीं कितना है बट पानी निकलने के बाद ये लोग इसको यहाँ यहीं पे छोड़ दिया। तो उसके बाद ये पानी ऊपर आ गया। अभी यहाँ कोई खुदाई का काम कोई होता नहीं बट इट हैज़ बिकम ए वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। ये सर लेक जैसा बन गया है। पानी का कलर भी आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन है। जो रास्ता आप देख रहे हैं इसमें आप नीचे भी जा सकते हैं। नीचे भी कुछ इसी रास्ते से आप नीचे उतरेंगे तो ये रास्ता है। ये जाने से आप पानी तक जा सकते हैं। आसमान पे बादल है
अभी आने के लिए 1 घंटा टाइम लगा, ऑफ रोड थोड़ा आना पड़ा 3-4 किलोमीटर। हम लोग थोड़ा गलत रोड ले लिया, दूसरा एक रोड था वो जाने का टाइम है, वो रोड लेके जाएंगे। ये कोई ऐसा कोई ख़ास टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ। अभी ये 2-3 महीना शायद 5 महीना हुआ है ये डिस्कवर हुआ है, तो बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी देखिए आसमान पे बादल है, तभी यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी 5 से ऊपर हो गया है, यहाँ जाने के लिए भी 1 घंटा लगेगा। कि आपको चारों तरफ का माहौल मैं दिखाता हूँ। आज हमारा अभी जो निजीगढ़ तापंग में हम है, यहाँ मेरा घूमना ख़त्म हो गया। अभी 5:30 बजने जा रहा है, आसमान पे पूरा बादल छाए हुए हैं, अभी यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रहा है। और ये पूरा आइसोलेटेड जगह है, बड़ा बैरन लैंड है, कोई टूरिस्ट वगैरह कुछ नहीं है। ये 2-4 लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, तो अभी यहीं से निकलेंगे। तो मेरे को तो जगह बहुत अच्छा लगा और मैं मेरा वीडियो यहाँ क्लोज़ करता हूँ। अगर आपको आप अगर यहाँ आए हैं तो ज़रूर मेरे को बताना आपको जगह कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मैं और एक आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, भुवनेश्वर से खुर्दा क्रॉस करके NH-16 में आने के बाद 22-23 किलोमीटर आने के बाद आपको थोड़ा लेफ्ट में ऑफ रोड आना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर, उसके बाद ये जगह आएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।